बसिन साहब सुप्रभात, स्वागत है। पहले तो ये बताएं कि शुक्रवार को अच्छा खासा हम 16-800 पे पहुंच गए थे, लेकिन वहां से मतलब टिके नहीं, नीचे आ गए। क्या कुछ बाजार का डायरेक्शन है, क्या 16,000 की तरफ बढ़ रहे हैं या ज्यादा गिरेंगे? नहीं, एक बार पहले वो बताएं सर, और इस हफ्ते के लिए व्यू भी दें। हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, 1,000 पॉइंट की रैली आई और सबने छुरियां लेके खड़े हो गए कि बेयर मार्केट रैली खत्म हो गई और फलाना ढींगड़ा। अब यूएस में जॉब्स नंबर स्ट्रांग आते हैं तो बता रहे हैं ग्रोथ अच्छी है, थोड़ी सी बेटर आई तो भी आपको मुश्किल। अगर वीक आती तो आप बोलते रिसेशन है। तो आप पहले तय कर लीजिए आप क्या किस कैंप में है। मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज गेटिंग प्राइस्ड इन, रिजल्ट्स अर्निंग्स आर गेटिंग बेटर देन एक्सपेक्टेड। इंडिया को $25 सस्ता क्रूड मिल रहा है, क्रूड की रैली इज नॉट गोइंग टू लास्ट। और भी आप सब जगह से देख रहे हैं कि किसी भी तरह से इन्फ्लेशन की जो कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट ऑन द डाउन ट्रेजेक्ट्री हो गई, ऑल ड्यू टू वेदर, क्रूड और ये एक्सटर्नल है। बट मुझे नहीं लगता कि ये 200 पॉइंट से ज्यादा करेक्शन होनी चाहिए। 16,400 वुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन पहले 17,200 आएगा, फिर देखेंगे 16,400 अगर के नीचे जाएगा नहीं जाएगा। तो आई एम अगेन इन द कैंप विच इज सेइंग बाय दिस डिप, इट कैन लास्ट फॉर अ डे और सो, और प्रॉफिट बुकिंग अनिवार्य है अनिल जी 1,000 के पॉइंट के मूव के बाद। उसके ऊपर अब आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, बट अंडरटोन स्ट्रॉन्ग। मैं आपको यहां तक कह दूं अनिल जी कि इस महीने में 18,000 के दर्शन जरूर होंगे। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। वसीन साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि 16,400 के नीचे की रिस्क नहीं, यानी कि यहां से मैक्सिमम रिस्क 100 पॉइंट की, और पहले 17,200 यानी कि 600 500, यानी 500 पे ना, तो 700 पॉइंट ऊपर बढ़ने में, घटने में सिर्फ 100 पॉइंट, राइट सर? बिल्कुल अनिल जी, रिलायंस का भाव देखिए, सारी मार्केट एक तरफ, अंबानी साहब एक तरफ, और वो बता रहा है कि ग्लोबली एनर्जी इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। जिसने लिया है वो भी बुलिश है। एनर्जी क्यों राइज करता है? बिकॉज ग्रोथ इज बैक। तो देर इज अ डिवाइडेड कैंप बिटवीन बोथ साइड, सब इसी तरफ में है कि मंदी आएगी, और तो मंदी आएगी आपके खरीदने के लिए और मंदी आपको परसीव करनी है। अब मंदी का बाउट एक बार हो गया, रोज रोज वही दिन और रोज रोज वही चीज नहीं आता, शेयर आएगा शेयर आएगा। तो मैं अभी भी कहता हूं 16,400 का भी आप 16,350 पकड़ लीजिए कि 150 पॉइंट की और मंदी आ सकती है इस लेग में। उसके बाद 17,000 या 16,800 एक बार पार किया फिर अनिल जी रिव्यू करेंगे। मैं भी आउटराइटली बोलता हूं, लेकिन वी हैव टू कीप इन टैंडम विद व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली। और आपने देखा है फ्राइडे को इन अ स्वीट स्पॉट वी वर, एंड अनफॉर्चुनेटली लास्ट में सेलिंग केम बिकॉज ऑफ ऑल्सो बता दू अनिल जी, FI सेलिंग इज मोर ऑर लेस एट अ फैग एंड। यहां से अब DI की स्ट्रेंथ ही आएगी, सो आई एम रिलेटिवली बुलिश। और जो अच्छे काउंटर आपको लेने थे, चाहे वो IT में है, बैंक्स में, ऑटो में, लेने की चेष्टा कीजिए। बात है, बताएं सर अब आज के लिए फ्रेश पिक्स। तो अनिल जी पहले मैं अपडेट दे दू, मैंने आपको क्लोजिंग बेल में 363 रुपए में कहा था कि जिंदल स्टील लीजिए, 354 रुपए का स्टॉप लॉस, वो अभी कायम है। शेयर का भाव 368 है, 375 जाएगा। दूसरा मैंने कहा था बंधन बैंक लेना 321 रुपए में, 314 का स्टॉप लॉस, 330 का टारगेट, ये दोनों कायम है। मैं अब कहता हूं गेल लीजिए, गेल इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ राइडिंग क्रूड एंड LNG। इसका भाव 158 जाएगा, 143 का स्टॉप लॉस। और दूसरा मेरा पिक 735 रुपए पे था आरती। आरती का टेक्निकली स्टॉप लॉस हो गया, 720 का था, बट आरती हैज मेड अ डबल बॉटम। आरती इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट प्लेयर इन बेंजीन, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड इन API इन द केमिकल साइड। वो दोनों कंपनी की डीमर्जर के बाद चल रही है। द स्टॉक इज वेरी वेरी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड। अब आप देखेंगे जैसे जैसे चाइना में ग्रोथ आएगी या रीओपनिंग होगी, बेंजीन प्राइसेस के बिना इंडस्ट्री के नॉट सर्वाइव, आरती विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशरी। तो 721-22 में मैं रिइटरेट करता हूं, 705 का स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस आपको इसलिए, लेकिन 775 और 785 आपको इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक तक जरूर आएंगे। तो ये है आपके लिए दो बेहतरीन पिक्स, आरती इंडस्ट्रीज और गेल, जो शुक्रवार को भी आपको बताया था बसिन साहब ने, यहीं पर दोनों जगह आपके लिए फिर से खरीदारी करने की राय। गेल खरीदे 158 का टारगेट है, 143 का स्टॉप लॉस, और आरती इंडस्ट्री खरीदे 705 का स्टॉप लॉस, 775 785 दो टारगेट के लिए यहां पर